नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 इंची डोर की लॉक इंस्टॉलिंग करेंगे। इसे हम नाप के दिखा दे रहे हैं, 6 इंची है और अंदर अंदर आपका जो लॉक का मेन बॉडी है वो आपका 4.5 इंची है। तो इसे हम किस तरह से, और इसका चौड़ाई है लॉक का 5 होता, तो लॉक किस तरह से कटिंग करना है दाग निशान लगा के, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो लॉक इस तरह से रख के आपको ऊपर नीचे से निशान लगा देना है वर्टिकल में, दूर वर्टिकल में, ठीक है। और गुनिया से आपको स्ट्रेट कर लेना है ताकि इसका लॉक का जो चाबी का छेदा होगा वो दोनों साइड में होगा। आप चाहते हैं तो एक साइड में भी कर सकते हैं, अगर अंदर से दरकार नहीं है एक साइड में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से और अंदर दोनों दे सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरफ से मैं गुनिया से दागी लगा लिया हूँ दोनों साइड से, दोनों साइड से लगा लूँगा कुछ इस तरह से। हल्का एक सूता भी ऊपर नीचे होगा तो आपका लॉक का छेदा होल जो होता है की डालने का, चाबी डालने का, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ होने के बाद अच्छा नहीं दिखेगा, वो ख़राब दिखेगा। तो अच्छी तरह से थोड़ा टाइम लगेगा कोई वर्टिकल में देख के निशान लगाए। तो मेरा अब हम सेंटर का लगाएंगे। सेंटर का मैं 5 सूता नापा हुआ था तो हम 5 सूता के बदला 6 सूता लगाएंगे, थोड़ा क्लियर हो ताकि लॉक आसानी से हो सके। तो आप 4 सूता, 4.5 सूता उस साइड से छोड़ सकते हैं और इस साइड से 4.5 सूता छोड़ सकते हैं, तब तो आपको बीच में 6 सूता या 5.5 सूता आपको सेंटर में बच जाएगा। नापिक अच्छी तरह से लगाई, नहीं तो लॉक साइड में लग जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे भी होने से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। उस तरफ से भी आप 4.5 सूता ले लें और इस तरफ से भी 7.5 सूता, और बीच में जो जगह बच जाएगा बीच में सर आपका 5 सूता, 5.5 सूता, 6 सूता का होगा। अब इससे एंगल से लाइन तान के, जहाँ से हम लाइन तानेंगे वहीं से हम कटिंग होगा। कटिंग करते समय ध्यान रखें कि सेफ्टी का बहुत ज़रूरत है, तो आपको ग्लासेस वगैरह है तो पहन ले तो बढ़िया रहेगा। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे और नाप के कटिंग करेंगे।
कुछ इस तरह आप देख सकते हैं पौने एक इंच है। तो लॉक डाल के पहले चेक करेंगे बढ़िया है कि नहीं। चल ठीक है, अब यहाँ से हम पौने एक इंची मार्किंग करेंगे। पौने एक इंची मार्किंग करके और इसके बाद हम पहले 5 mm का होल करेंगे और फिर 8 mm का होल करके थोड़ा बड़ा करेंगे और नीचे नीचे हम 4 mm का होल करेंगे। ये हमने चैना बना दिया हूँ। ये जो ऊपर वाला डर्ट है उसमें हम 4 या 5 mm का पहले होल करेंगे और तब 8 mm का तो 4 mm का करेंगे। कुछ इस तरह जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। यह 4 mm का ड्रिल बिट है। ध्यान रखें कि छेदा ज़्यादा इधर उधर ना हो, सेंटर में हो। एक बार लगा के आप चेक कर सकते हो टॉर्च वगैरह बार के ऊपर से। आप पल्ला के ऊपर से टॉर्च बनाने से आपको छेदा दिख जाएगा। और 8 mm का भी होल उसी समय कर ले। होल करने के बाद आपको 4 mm का बीट बांधना है। 4 mm का बीट बांधने से पहले आपको चेक कर लेना है कि छेदा सही से मैच हो रहा है कि नहीं अंदर का छेदे में। तो बढ़िया चेक कर ले ताकि आपको हल्का एडजस्टिंग कर सके पहले ही। तो ये बढ़िया से मैच हो गया है, देख सकते हैं कि आपके कैमरे में। और 4 mm का भी बीट बांध के नीचे का भी होल कर लेना है कुछ इस तरह से, ताकि ये बहुत ही सुंदर तरह से दिखे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। दोस्तों दरवाजे में की होल करना सभी दोस्तों के बस में बात नहीं है। इसे सावधानी लेके सही तरह से करना पड़ता है, नहीं तो आपको हल्का 1 mm 2 mm इधर उधर होने से आपका चाबी बढ़िया से नहीं लगेगा। जो आप जो वर्टिकल में होल कर लिए है वो भी ख़राब हो जाएगा और देखने में बढ़िया नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही सावधानी से की होल किया जाता है। आप देख सक रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया लॉक चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। चाबी में निकाल के भी चेक कर लिया हूँ। अब इसी तरह हमें दूसरे साइड भी होल कर लेना है। दूसरे साइड होल करने के लिए भी सेम प्रोसेस है जैसे आप देख रहे हैं। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? We'll be right back.
है।